एंड्रॉयड अपडेट्स के बारे में बात करें जो सैमसंग है वो यहाँ पे तकरीबन 7 साल का एंड्रॉयड अपडेट का प्रॉमिस करती है जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके बाद हम बाकी कंपनीज की बात करें तो यार इतना अच्छा एंड्रॉयड का अपडेट का सपोर्ट नहीं प्रॉमिस किया जाता। मोटो और इन्फिनिक्स के बारे में बात करें भाई सालों में अपडेट आता है, शाओमी वाले बहुत ही लेट अपडेट देते हैं और जब आता है तो उसके अंदर बग्स आ जाते हैं। और अपडेट की कहानी हर कंपनी की बिल्कुल अलग चलती है, कोई काफी अच्छा काम करती है, कोई मीडियोकर काम करती है और काफी सारी कंपनीज तो ऐसा कि अपडेट से ना फोन को ना बिल्कुल ही खत्म कर देती है, स्लो कर देती है और कुछ तो ऐसे अपने फोन को अपडेट देना बिल्कुल भूल ही जाती है। अब आखिर ऐसा चल क्या रहा है एंड्रॉइड अपडेट के अंदर और क्या साइन है कि क्या अपडेट वाली सिचुएशन कभी इंप्रूव हो सकती है, चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। पसंद है सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो एंड्रॉइड अपडेट के रीजंस तो बहुत अच्छे हैं। देखो जब भी फीचर अपडेट आते हैं, एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट आता है तो देख के भी अच्छा लगता है कि यार आपका जो फोन है वो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहा है। आपके फोन के अंदर कई बार नए फीचर्स आती है वो देख के मजा लगता है और कई बार सिक्योरिटी पैचेस का जो अपडेट मिलता है ना तो उसे भी देख के अच्छा लगता है कि यार फोन के अंदर आपकी सिक्योरिटी का लेवल एक लेवल ऊपर हुआ है। इसके बाद जो आपका जो फोन है वो मालवेयर वगैरह से काफी तरीके से सुरक्षित रहेगा जो कि बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। लेकिन एक बात बताऊं यहाँ पे क्या है कि अक्सर हम जब भी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो अपडेट का हम एक पॉजिटिव साइड हमेशा देखते हैं लेकिन एक नेगेटिव साइड भी रहता है जिससे काफी सारे लोग परेशान रहते हैं, जैसे कि बात करें बग्स एंड ग्लिचेस का। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट आते हैं ना तब उसके बाद चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है और ज्यादातर फोन में होता है, फोन के अंदर नए नए इश्यूज नए नए बग्स आने लगते हैं। कई बार ये देख के लगता है कि कंपनी ऐसा जानबूझ के तो नहीं कर रही कि मोबाइल फोन को यहाँ पे स्लो करना चाहती हो क्योंकि उन्हें नए फोन भी तो यहाँ पे बेचने हैं ना। वेल वो केस भी यहाँ पे अलग चलता है जिसके अंदर प्लैंड ऑप्शन कहते हैं जहां पे पुराने फोन के अंदर नया अपडेट दिया जाता है और जानबूझकर कई बार पुराने फोन को स्लो कर दिया जाता है ताकि जो लोग है उनके लिए पुराना फोन थोड़ा स्लो रहे और जो नया फोन है वो मार्केट में ज्यादा फास्ट रहे। इस टाइप के आरोप बहुत सारी कंपनीज पे बहुत लंबे समय तक लगे लेकिन ये चीज होती है यहाँ पे मार्केट के अंदर जिस कारण से जो कंपनीज है वो यहाँ पे अपने नए फोन को यहाँ पर बेच सके, ये तो है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे अपडेट का जो साइकिल रहता है ना कई बार धीरे धीरे इतना ज्यादा बेकार हो जाता है कि शुरुआती दिनों में तो आपको अच्छे तरीके से अपडेट मिल रहे, कुछ महीनों तक अपडेट मिला, एक साल तक मिला, उसके बाद धीरे धीरे भी लगता है जो कंपनी होती है ना वो अपने पुराने फोन्स को भूलती चली जाती है। सिंपल रीजन ये यार आज के समय में हर कंपनी इतने सारे फोन्स को निकाल रही है और पुराने फोन जो निकाल चुके उन्हें भी अपडेट देना है, जो नए निकाल रही है उनको भी अपडेट देना है और जो आने वाले फोन्स होंगे उनके लिए भी सॉफ्टवेयर तैयार करना है, तो वो भी एक दिक्कत है यहाँ पे। तो इस तरीके की कहानी भी यहाँ पे चल रही है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एंड्रॉइड अपडेट से फायदा तो होता है, स्पेशली मैं बात करूँ फीचर सेट का और सिक्योरिटी का। फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी जो रहती है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के समय में अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो एंड्रॉइड के अंदर उतने फीचर्स अब इंक्रीज नहीं हो रहे जितने एक जमाने में हुआ करते थे। और ये एक चीज है कि अगर नया एंड्रॉइड वर्जन अगर आएगा तो भी उसके अंदर आपको कोई ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो चेंजेस वो बहुत ही मिनिमल और बहुत ही ज्यादा सटल होते हैं और बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। ये एक चीज है जिससे फीचर्स वाली जो चीज है वो थोड़ी सी वहां पर लेस कम होती जा रही है। इवन आज के समय में अगर आप कोई भी फोन का लॉन्च देखेंगे तो वहां पर अक्सर यहाँ पे AI की बात की जाती है। कई बार बोला जाता है अपडेट से हम AI के फीचर पुराने फोन में लाएंगे लेकिन बात यहाँ पे सच ये है कि ज्यादातर जो AI का काम होता है ज्यादातर ऑन डिवाइस कम होता है, क्लाउड पे ज्यादा रहता है। इस वजह से देखा जाए तो वो फीचर सेट भी यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि ज्यादातर काम आपके डिवाइस के जो हो रहा है उसके लिए अपडेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है और ऑन डिवाइस AI जो रहती है वो आपको थोड़े ज्यादा एडवांस फोन में और जो नए फोन आ रहे हैं उस पे ज्यादा देखने को मिलेगी, पुराने फोन में ये कम पहुंचेगी। जो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को यहाँ पे लगता है वो रहता है सिक्योरिटी वाले का, अगर सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह मिलते रहे तो एक अच्छी चीज है। लेकिन एंड्रॉइड अपडेट के साथ एक दिक्कत ये कि काफी सारी कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है जिस कारण से यहाँ पे पुराने फोन से अपडेट दे पाना थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए और खास तौर पे बजट फोन्स के लिए। अगली चीज आती है कि जो सैमसंग जैसी कंपनी वो क्यों अच्छे तरीके से यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करती है। देखो सैमसंग के बारे में बात करें उसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा और सैमसंग के पास बहुत सारे इंजीनियर्स है जो लगातार काम करते रहते हैं, नए फोन के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना है, पुराने के लिए भी बनाना है। इस कारण से सैमसंग जैसी कंपनी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर पाती है, बाकी सारी कंपनीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा लैक यहाँ पे लगता है। इसके साथ ही बात करें तो मोबाइल फोन के प्रोसेसर्स का भी इसका इंपैक्ट पड़ता है अपडेट्स के अंदर, जहाँ पे क्वालकॉम के जो प्रोसेसर होते हैं वहाँ पे नए एंड्रॉइड वर्जन के लिए ड्राइवर्स को रिलीज करना पड़ता है क्योंकि जब तक ड्राइवर्स को रिलीज नहीं करेंगे तब तक पुराने प्रोसेसर वाले फोन के ऊपर अपडेट पहुंचा पाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो लोग ड्राइवर्स वगैरह इन सब का यूज करते हैं ताकि हर एक फोन के अंदर अपडेट्स वगैरह ये लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पहुंचा सके। इसके साथ ही ड्राइवर अगर अवेलेबल नहीं है तो गूगल के भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट ट्रेवल वगैरह, जहां पे ये लोग पुराने ड्राइवर के साथ भी नए सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी का यूज करके सैमसंग अपने सॉफ्टवेयर को काफी एडवांस बना पाता है, अपडेट जल्दी प्रोवाइड करवा पाता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सारे जो फीचर्स होंगे नए एंड्रॉइड वर्जन के
वो पुराने चिपसेट के ऊपर शायद काम ना करे, इसलिए कुछ चीजों को यहाँ पे कट कर दिया जाता है। इसके साथ ही अपडेट वाली सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्वालकॉम यहाँ पे काम कर रही है गूगल और OEM जो कंपनीज होती है उन सबके साथ, जहाँ पे क्वालकॉम का मेन मकसद ये कि आज के समय में अपडेट डेवलप करना किसी भी नए चिपसेट और पुराने चिपसेट के लिए नए एंड्रॉइड वर्जन का डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क है। इस टास्क को कैसे आसान किया जाए, कैसे सस्ता किया जा सके, इसके ऊपर भी काम यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से एंड्रॉइड अपडेट वाली सिचुएशन है वो थोड़ी यहाँ पे इम्प्रूव की जा सके। ये एक सिंपल सी चीज है जो मार्केट में आज के समय में हो रही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या पड़ता है, क्या आने वाले समय में जो सस्ते और अफोर्डेबल फोन्स होंगे क्या उनके अंदर कभी आपको जल्दी अपडेट मिलेगा? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि फ्लैगशिप फोन्स में तो अच्छा अपडेट आता है, लेकिन जो बजट मिड रेंज वाले फोन होते हैं ना वो कई बार थोड़े पीछे छूट जाते हैं, खास तौर पे अफोर्डेबल फोन। वहां पे कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी फोन लॉन्च करके बस भूल गई है और जिस सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है उसी के साथ चल रहा है, सालों में कभी कोई अपडेट आए तो आए। लेकिन देखने वाली बात है कि एंड्रॉइड के अंदर जो अपडेट सिचुएशन वो धीरे धीरे बेटर हो रही है और धीरे धीरे एप्पल से भी टक्कर लेना, एटलीस्ट फ्लैगशिप लेवल में तो टक्कर मिल ही रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे एंड्रॉइड कंपनीज जो है वो भी अपने सिस्टम को थोड़ा बेटर करें और जो अपडेट्स होती है वो आपको स्टेबल तरीके से प्रोवाइड करें, बग्स वगैरह प्रोवाइड ना करें लेकिन अच्छा एक एक्सपीरियंस दे, तो वो एक बेटर चीज होगी। तो दोस्तों यार ये था इस वीडियो के अंदर, आप लोग इन्फॉर्मेटिव लगा सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा जरूर से नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर, गुड बाय।